So hello guys, this is Suraj and you're watching Chemistry's Mystery. And this is acid base topic and this is second third lecture. And today's topic is charge compound separation. ठीक है, तो अगर दो कंपाउंड मुझे दे रखे हैं और वो एक दूसरे में सॉल्यूबल है तो उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपाउंड लूँ टाउलिन लूँ, टाउलिन की रिएक्शन, टाउलिन को अगर मैं बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करूँ, सिंपली ये रिएक्ट नहीं होते हैं वैसे, बट अगर जैसे तो अगर मुझे इसी सॉल्यूबल होते हैं. ठीक है, अब ये दोनों के दोनों इनसॉल्यूबल है वाटर में, इनसॉल्यूबल है. अब और मुझे इन दोनों को अलग करना है. ठीक है, तो कैसे करते हैं इसे इनसॉल्यूबल इन वाटर. तो इनमें से एक एसिड है, बेंजोइक एसिड एक एसिड है. सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बेस डालेंगे, कोई सा भी बेस. बेस मैंने NaOH डाल दिया, तो NaOH क्या करेगा, इसका जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन यहाँ से बेंजोइक एसिड प्रोटॉन रिलीज कर देगा. अगर बेंजोइक एसिड प्रोटॉन रिलीज कर देगा तो बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा. और अगर ये सॉल्ट बन गया है और यहाँ पे ये सिंपली ऐसे रहेगा, टाउलिन तो ऐसे रहेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा ऐसे सिंपली. अभी बेंजोइक एसिड का क्या है, सॉल्ट है. अगर ये बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है तो ये सॉल्युबल होगा वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर, और ये इनसॉल्युबल होगा. ठीक है, तो ये जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो कंपाउंड्स है, दोबारा से बताता हूँ, ये जो कंपाउंड्स है कौन सा, टाउलिन और बेंजोइक एसिड, इनको सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व करते हैं. उसे क्या है, डाइक्लोरो, इन दोनों को डिसॉल्व करते हैं, जिसे कहते हैं डाइक्लोरो मिथेन. किस में डिसॉल्व करते हैं, डाइक्लोरो मिथेन में. डाइक्लोरो मिथेन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, जो जिसमें ये दोनों के दोनों कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं और उसमें वाटर की लेयर भी है. ठीक है, उसमें NaOH डाला, NaOH से क्या हुआ, ये सॉल्युबल हो गया वाटर में और ये इनसॉल्युबल रहा, और ये किसमें रहा, डाइक्लोरोमिथेन में रहा. ठीक है, तो दो लेयर बन चुकी है, जिसमें एक्वस लेयर में हमारा बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है और ऑयल की जो लेयर है उसमें हमारा टाउलिन है. ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, इसके बाद जो हमारा ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड में COONa, इसमें हमने कोई एसिड डाल दिया जो कि स्ट्रॉन्गर एसिड होगा देन दिस कंपाउंड. अगर वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, इस HCl स्ट्रॉन्गर एसिड होगा दिस कंपाउंड से, इसका जो सॉल्ट बना है, तो क्या करेगा, अपने प्रोटॉन रिलीज कर देगा. अगर वो अपने प्रोटॉन रिलीज कर देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो सोडियम हट के यहाँ पर वाला कंपाउंड बन जाएगा, तो COOH. ठीक है, तो ये क्या बन गया, मेरा बेंजोइक एसिड बन गया. तो बेंजोइक एसिड अलग मिल गया मुझे. ठीक है, और इनिशियल तो था ही इसमें. ठीक है, तो बेंजोइक एसिड अलग मिल गया और जो मेरा दूसरा कंपाउंड था टाउलिन वो किस में रहा, ऑयल के लेयर में. ऑयल के लेयर कहते हैं यहाँ डाइक्लोरोमीथेन में रहा, डाइक्लोरोमीथेन में रहा. टाउलिन जो है वो किस में रहा, टाउलिन डाइक्लोरोमीथेन में रहा. और ये जो है मेरा एक्वस लेयर में आ गया और ये सेपरेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा क्योंकि बेंजोइक एसिड तो उसमें सॉल्युबल होता नहीं है वाटर के अंदर. ठीक है, इसलिए सिमिलरली अगर जो बेसिस होते हैं उनको कैसे डिसॉल्व करेंगे, सिमिलर बेसिस को डिसॉल्व करते हैं ऑर्गेनिक लेयर में. तो ऑर्गेनिक लेयर में डिसॉल्व करने की वजह से उसमें ऊपर मैंने किसमें डिसॉल्व करा था, NaOH में डिसॉल्व करा था. तो इसमें करना है किसी एसिड में डिसॉल्व करना है, एसिड में डिसॉल्व कर दिया. एसिड में डिसॉल्व करने के बाद उसका सॉल्ट बन जाएगा, किसका, बेस का सॉल्ट बन जाएगा. और बेस का जैसे सॉल्ट बन जाएगा, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बन गया था, कहाँ पे, यहाँ पे बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बन गया था जो कि वाटर सॉल्युबल था. ठीक है,
तो होगा क्या, इससे फिर वो सॉल्ट बन जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, पीएच बढ़ा देंगे। पीएच बढ़ाने मतलब एनएच डाल देंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्या डाला था, एसिड डाला था, बाद में से डाला था ना, एचसीएल डाला था, यहाँ पे एचसीएल डाला था। तो इसमें क्या करेंगे, एनएमएच डाल देंगे। एनएमएच डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड उसका तो वो दोबारा से बेस बन जाएगा। बस जो बेस डालना है वो स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए देन उस कंपाउंड के, जो बेस जिसका हमने सॉल्ट बनाया, ठीक। और वो बेस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और जो दूसरा कंपाउंड है वो उसी में सॉल्युबल रहेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, जैसे HCl है, HCl का मैंने अगर HCl को का अगर मैंने उसको वाटर से ऐड कराया कि बन जाएगा क्लोराइड आयन और H3 पॉजिटिव। सिमिलरली एसिटिक एसिड को रिएक्ट करा वाटर के साथ तो एसिटेट आयन बन जाएगा और H3 पॉजिटिव बन जाएगा। और जो अल्कोहल, अल्कोहल को वाटर से रिएक्ट कराया तो भाई क्या बन जाएगा, मेरा एथॉक्साइड आयन बन जाएगा, ठीक है। अब जो HCl है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है देन इससे, और ये स्ट्रॉन्गर एसिड है देन इससे। तो इनके जो कॉन्जुगेट बेस होंगे, जैसे Cl- CH3 CW एसिटेट आयन और एथॉक्साइड आयन, जो कॉन्जुगेट बेस बनते हैं, वो स्ट्रॉन्गर बेस बनते हैं, ठीक है। मतलब कि स्ट्रॉन्गर द एसिड, वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो इसमें बेस बनने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी होगी, इस वाले कंपाउंड की, क्या ये इथॉक्साइड आयन से, ठीक है, सॉरी एसिटेट आयन नहीं, हाँ एसिटेट तो यार कंपाउंड है, इथॉक्साइड आयन, ठीक है। सो हेलो गाइस, दिस इज सूरज एंड यू वॉचिंग केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, एंड दिस इज एसिड बेस्ड टॉपिक, एसिड बेस्ड सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। एंड आज हम पढ़ेंगे अगर दो एसिड्स का मिक्सचर गिवन हो में, तो उससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चल सकती है अगर दो एसिड्स की बना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई लूँ कंपाउंड HSO4 नेगेटिव और एसिटिक एसिड, एसिटेट आयन है, ठीक है, इसका मुझे अगर मिक्सचर की बने तो होगा क्या, ये इक्विलिब्रियम में सेट रहेंगे और SO4 2- प्लस CH3 COOH बन जाएंगे। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, HSO4 नेगेटिव, बिकॉज इसका डी प्रोटोनेशन हो रहा है और इसका प्रोटोनेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन और प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, ठीक है, अपॉन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ये हुई। अब के इक्विलिब्रियम में अगर मैं न्यूमरेट, अगर मैं SO4 2 नेगेटिव SO4 इसमें अगर मैं न्यूमरेटर में H3O पॉजिटिव ऐड कर देता हूँ, सिमिलरली अगर यहाँ पे मैंने एसिटिक एसिड लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे एसिटेट आयन है, अगर मैं न्यूमरेटर में H3O पॉजिटिव ऐड कराए तो मुझे डिनोमिनेटर में भी H3O पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या बन गया, के ए ऑफ SO4- SO4- कहते हैं, HSO4- कहते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, और अब एसिटेट आयन नीचे है, ठीक है, तो होगा क्या, इससे जो कंसेंट्रेशन जो के होगा वो H3O CH3 COOH का नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड है वो हमारा ऊपर है और जबकि जो रिएक्टेड जो हमारा प्रोडक्ट है वो नीचे है। अगर प्रोडक्ट नीचे है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं समझाना चाहूँ, जैसे ये रहा फ़र्क है, वैसे अगर मुझे जैसे एसिटिक एसिड है
इसका अगर हाइड्रोलिस अगर इसको अगर इसमें अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो होगा क्या, CH3 COO- प्लस H3O पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे जो CH3 ये प्रोडक्ट का है, ये चीज़ कहाँ पे, डिनोमीटर में। अगर ये चीज़ डिनोमीटर में तो K कहाँ होगा, डिनोमीटर में, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू के HSO4- ओवर के ऑफ CH3COOH, ठीक है। तो इससे मुझे क्या चीज़ पता चलती है कि अगर दो एसिड्स गिवन है मेरे पास, दो एसिड्स गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला और ये वाला एसिड्स गिवन है, ठीक है, एसिड्स गिवन है, तो जो के इक्विलिब्रियम होगा, जो के इक्विलिब्रियम होगा वो एक तरह से रेशियो होगा, इक्विलिब्रियम इज द रेशियो ऑफ के ए ऑफ एसिड्स, ठीक है। और जिसमें जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो न्यूमरेटर में होगा, और न्यूमरेटर में होगा, और जो वीकर एसिड होगा, जो वीकर एसिड होगा वो कहाँ पर होगा, डिनोमीटर में होगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं इसका लॉग ले लूँगा, ठीक है, तो जिनका जो डिफरेंस होगा, तो इनका जो डिफरेंस होगा अगर लॉग लेने के बाद क्या हो जाएगा, जिनका डिफरेंस होगा वो एक तरह से पीके हो जाएगा, ठीक है। जो इनका जो डिफरेंस है लॉग लूँगा तो लॉग लूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लॉग माइनस के लॉग की इक्वेशन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड की कंसेंट्रेशन अपॉन वीकर अपॉन में वीकर एसिड की कंसेंट्रेशन, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये पी के ए हो जाएगा, या पी के ए क्योंकि दो एसिड्स का है तो ये चेंज हो जाएगा, तो वीकर माइनस स्ट्रॉन्गर, वीकर का पी के ए माइनस स्ट्रॉन्गर का, क्योंकि स्ट्रॉन्गर का पी के ए तो कम होगा, क्योंकि वीकर इज द, मैंने पढ़ा चुका हूँ कि वीकर इज द एसिड, हायर इज इट्स पी के वैल्यू। सो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, द डिफरेंस इन पी के वैल्यू की वजह से लॉग ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द रेशियो ऑफ द के वैल्यूज गिव्स अस द इंडिकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड। तो यहाँ पे एक तरह से दो ना एसिड है, लेकिन यहाँ पे जो CH3O- एक तरह से बेस का वर्क, ठीक है, ठीक है, तो वैसे दोनों एसिड्स, ठीक है। एंड इफ यू फील दिस लेक्चर इज गुड एंड you like it, then please like, share and subscribe it.